वेलकम टू सोनालीस कॉर्नर। आज हमारी फिटनेस चैलेंज है जो 1 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक चलेगी, दैट इज फॉर स्टीम एंड गार्गलिंग। तो लाइफस्टाइल चैलेंज है क्योंकि कोरोना से फाइट करनी है और कोरोना से हमें जीतना भी है। तो सिर्फ मेडिसिन या तो इम्यूनिटी बूस्टर्स लेने से कुछ नहीं होता है, यू हैव टू अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल जो रेगुलर होनी चाहिए, लाइक स्टीम लेना है एंड गार्गल करना है। अभी आप कैसे गार्गल करोगे, कब करोगे, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और गार्गल से हमें बेनिफिट्स क्या है, तो याद रखिए जब भी आप गार्गल करते हो, आइदर विथ यू डू विथ बिटाडीन और जो रॉक सॉल्ट होता है वो, और ये हल्दी लेके। और घर में जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके पास तो जरूर से करवाइए, 2 बार करना है, सुबह एंड और शाम को। अभी गार्गल करने से आपको फायदा क्या होगा, तो याद रखिए गार्गल जब भी आप करते हो तो अर्ली सिम्टम्स जो कोरोना होता का होता है, कभी कभी हमको सॉर थ्रॉट होता है या थ्रॉट पेन, गले में दुखने लगता है, ऐसा लगता है कि मैं बहुत बोली हूं या तो कुछ ऐसा, तो तभी आपको ये रोज सुबह में, जैसे आप बाहर नहीं जाते हो जब जो लॉकडाउन फुल लॉकडाउन है, सो इफ यू आर नॉट गोइंग आउट देन मेक हैबिट ऑफ डूइंग अर्ली मॉर्निंग। जैसे आप उठते हो, काढ़ा पी लो, फिर एक गार्गल कर लो और फिर स्टीम लेना, ये 3 चीज पहले करनी चाहिए ब्रेकफास्ट करने से पहले। और इफ यू आर गोइंग आउट, आप बाहर जाते हो तो याद रखिए ये सब चीज आपको बाहर से आने के बाद करना है। नाउ हाउ इट इज यूजफुल, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस गार्गलिंग, तो याद रखिए जब भी आपका ये गार्गल करते हो तो गर्म पानी करना है माइक्रोवेव में, लाइक 1 or 2 मिनट्स में गर्म करके आई हूँ अभी, ये 1 or 2 मिनट्स गरम किया हुआ पानी है। और आप उसमें जब भी बीटाडीन गार्गल डालते हो और इधर गार्गल करते हो आप, तो क्या होगा, जो म्यूकस जमा हुआ होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो कफ के जैसा लगता है, जो वो कफ हफ्ता छुट्टा हो जाएगा और वो आप स्पिट कर दोगे, थूक दोगे, तो वो कफ आपका निकल जाता है, मीन्स म्यूकस निकल जाता है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक से। तो सेम वे स्टीम का भी क्या बेनिफिट्स है वो मैं बताती हूँ, बट लेट्स गो फर्स्ट ऑन गार्गलिंग, बिकॉज स्टीम तो भी ले लेते हैं लेकिन गार्गल करने में सब बहुत आलसी हो जाते हैं। सेकेंड वेव आ गए, फर्स्ट वेव में तो भी लोग कर रहे थे, राइट। अभी हमें फिर से ये रेगुलर बेस पे अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करना है टू बिकम अ हेल्दी एंड वी हैव टू स्टे फिट। लाइक हम योगा तो रोज करते ही है, और योगा में क्या बोला है, योगा अनुशासनम, डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट। तो सेम वे इसमें भी हमें डिसिप्लिन लाना है, इसलिए आज मैं ये चैलेंज दिस 2 वीक्स के लिए दे रही हूँ। और सबको ई सर्टिफिकेट मिलेगा आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ दिस चैलेंज, और ये मैं देखने नहीं आने वाली हूँ, आप ऑनेस्टली ही मुझे बताना है और आई विल सेंड यू अ सर्टिफिकेट। सो लेट स्टार्ट हाउ टू डू इट। देखो एक गर्म कर लो एक ग्लास पानी, ऐसा एक बीटाडीन करके आती है वो आप ले सकते हैं, बीटाडीन में 2-3 टाइप्स के आते हैं, तो आपको रीड करना है, इधर देखना है कि गार्गल वर्ड्स होना चाहिए, तो वो ही बीटाडीन लेना है, तो वो लेके आप एक कैप होती है 10 ml की, तो 250 ml का ग्लास है, तो वो करो। और मैं भी रोज करती हूँ तो मुझे आदत हो गई है कि हाउ मच, जैसे हम कुकिंग में कुछ मेजरमेंट नहीं रखते, राइट, रेगुलर, तो ये आप गर्म पानी में डाल दीजिए ऐसा। तो देखो ये व्हाइट वाटर था वो ऐसा कलर का हो गया है। अभी बाथरूम में या अपने सिंक पे आप गार्गल कर सकते हो, और जो सीनियर सिटीजन है जो खड़े नहीं रह सकते हैं जैसे 5-10 मिनट, तो उनको ऐसा कोई भी यूज एंड थ्रो का जो कंटेनर आता है जिसमें सब्जी या कुछ भी भर के आता है, अभी तो आम रस की सीजन है तो वो होता है श्रीखंड का, तो आपको पैसा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है, आप इसमें ही गार्गल कर सकते हो। सीनियर सिटीजन के लिए मैं बोल रही हूँ, आपको लेजी हो के इसमें नहीं करना है, आपको सिंक तक जाना है, वॉश बेसिन तक जाना है। अभी जिसको बीटाडीन का भी खर्चा नहीं करना है, तो हाउ यू कैन डू एट होम, तो आप होम किचन के ही आइटम्स होती है जैसे रॉक सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट होता है, वो नहीं है तो आपका रेगुलर टाटा सॉल्ट या व्हाइट सॉल्ट लेके 1 चम्मच व्हाइट सॉल्ट और 1 चम्मच हम करेंगे हल्दी, ये हल्दी है वो आप पानी में डाल दीजिए। ये दूसरा ग्लास है मेरा जिसमें मैंने ये आपको दिखाने के लिए किया है, तो ये पहले पानी गर्म कर लिया, फिर अभी 1 स्पून रॉक सॉल्ट डाल देती हूँ।
देखो ऐसे पिंक कलर का आता है, ये मैंने डाला इधर। और आपको ज्यादा ऐसा लगता है वॉमिटिंग जैसा होता है ज्यादा सॉल्ट डालने से, तो आप कम डाल दीजिए, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो हाफ स्पून कर दीजिए। जैसे हाफ स्पून हल्दी डाल दिया, कर लिया, आपका पानी रेडी है गार्गल करने के लिए। एक करके मैं दिखाती हूँ, याद रखिए इधर तक आपका जाना चाहिए। हुआ ऐसे आपको करना है। तो ये हल्दी वाला है, नमक और हल्दी वाला, और ये है बीटाडीन। सेम वे यू कैन डू इट। Done with this. अभी तो ये अपनी गार्गलिंग की चैलेंज हो गई। Now we will do steam challenge. तो आपको याद रह गया गार्गल, घर की आइटम से भी, किचन की आइटम से भी बता दिया और बीटाडीन से भी बता दिया और उसका फायदा भी बता दिया आपको। Now we will go on steam challenge. कितनी टाइम करना है? At least 5 minutes आपको करना है। तो 5 minutes में आप ये पानी में आप क्या क्या डाल सकते हो, जैसे ऐसा एक आता है 100 rupees का ही आता है, तो आपको तपेली में ऐसा टॉप में पानी गर्म करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो गिरने का डर होता है, वो छोटे बच्चों के पास, तो वो ऐसा मत यूटेंसिल्स में मत करिए। तो ऐसा एक 100 rupees या 150 rupees का आता है, इसमें इतना पानी भर दीजिए। और हम इसमें क्या डाल सकते है ये पानी में, आइदर आप मिंट डाल सकते है, फुदीना डाल सकते है, फिर ये जिंजर डाल सकते हैं, और जैसे मैं डालती हूँ इजी ब्रेथ कैप करके कैप्सूल्स आती है वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो कैप डाल सकते हैं, या तो फिर पतंजलि का दिव्य धारा करके आता है वो ऑयल जैसा होता है, वो भी ड्रॉप्स आप इसमें डाल सकते हैं। सो लेट मी शो यू इजी ब्रेथ कैप कैसे होते हैं। सो दिस इज इजी ब्रेथ कैप, ये ब्रीदिंग के लिए अच्छा रहता है। आप ये से एक टेबलेट्स आती है वो भी यूज कर सकते हैं, एक दिन में एक टेबलेट यूज करिए, लाइक 2-3 बार हो जाता है। अभी जिसको स्टीम मशीन ज्यादा ले सकते हैं तो पर पर्सन रखिए, या एक ही स्टीम मशीन भी इज ऑल्सो फाइन। तो ये मैंने अंदर डाल दिया, तो आप ऐसे ग्रीन कलर का पानी हो जाएगा। अभी देखो स्टीम आना शुरू हो गया, मैंने प्लग इन कर लिया है। गरम पानी पियो, एटलीस्ट इतना एक इडली भर के आप पानी गरम करके रख दीजिए, अच्छा वाला होगा। तो सुबह में गरम किया हो, अभी तक भी गरम है, तो एटलीस्ट इतना पानी आपको पीना है गरम पानी। और किधर बाहर से आके तुरंत कर सकते हैं। अभी इसका ऐसा अटैचमेंट भी मिलते है, लुक नोज शेप का ही है, तो आपका नोज ऐसा देखो स्टीम आना शुरू हो गई। तो आपको कुछ भी नहीं लेना है, तो ऐसे अटैचमेंट लगा दीजिए और सीधा नोज से स्टीम ले सकते हैं। और इतनी अच्छी स्मेल आती है कि आपको वो भी नहीं लगेगा थोड़ा भी। सीधा नाक में ही जा रही है, किधर भी नहीं जाएगी। और ये अटैचमेंट नहीं लगाना है इफ इट इज नॉट कंफर्टेबल, तो ये अटैचमेंट निकाल दीजिए। ऐसा निकाल दिया, कोई भी आप ऐसा कोई भी एक कपड़ा ले लीजिए, दुपट्टा ले लीजिए या टॉवेल ले लीजिए, ऐसा करके आप ले सकते हैं स्टीम ऐसे अंदर से, तो आपकी स्टीम बाहर नहीं जाएगी। और आप और इसमें ऐसा याद रखिए, इनहेल करिए नोज से, 2-4 बार इनहेल नोज से करिए, 2-4 बार आप मुंह से भी करिए, मुंह में भी लीजिए। इनहेलेशन, स्टीम इनहेलेशन क्या बोलते हैं, इजी
इससे अटैचमेंट। और मैं कहाँ रखती हूँ, जैसे एंट्रेंस होता है अपने घर के, घर का एंट्रेंस होता है और उधर कुछ प्लग की सुविधा है, तो आप उधर ही रख दीजिए एटलीस्ट दो चीज, एक स्टीमर रख दीजिए और एक ये गर्म पानी का रख दीजिए। तो आते ही कोई भी बाहर से आया तो पहले ये गर्म पानी पी लेंगे, और यू कैन आस्क देम टू डू टेक स्टीम, स्टीम इनहेलेशन इज वेरी गुड। और अभी एक चीज मुझे बतानी है कि आप स्टीम इनहेल करते हो तो ये स्किन होती है वो कभी ड्राई हो जाती है, तो क्या करना है, आपको कोकोनट ऑयल होता है, नारियल तेल, पैरासूट तेल, कोई भी ऑयल होता है, विटामिन ई का ग्रेप्स ऑयल, वो आप पहले लगा दीजिए, तो बर्न नहीं होगी, स्किन बर्न नहीं होगी। क्योंकि मुझे पता नहीं है, सबकी स्किन की सेंसिटिविटी अलग अलग होती है, तो कोई कोई तो बोलते हैं तुम स्टीम लेके और फेयर हो गई ऐसे, तो आप जरा ऑयल लगा के करिए और जरूर से पार्टिसिपेट करिए, देखना हमारा सर्टिफिकेट कैसा है। दिस इज आवर सर्टिफिकेट, सो लेट्स जॉइन एवरीवन, ये ट्राई करिए कि स्टीम इनहेलेशन एंड गार्गलिंग चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है, दिस इज फॉर यू ओनली। अभी मैं एक दिखा देती हूँ आपको कि मैं कहाँ रखती हूँ मेरा स्टीमर और गर्म पानी का किटली है, मैं कहाँ रखती हूँ। सो लेट्स कम विथ मी एट माय एंट्रेंस। सो लेट्स सी, ये मेरा घर का एंट्रेंस है और मैं, ये मेरा सूर्य अंदर है तो उसके ऊपर ही ये रख दिया है, डेकोरेशन की चीज हटा दिया है। गर्म पानी कोई बाहर से आता है तो ये पी सकते हैं सीधा इधर, और स्टीमर भी ये इधर ही है तो ये वायर है, इधर आप प्लग इन कर सकते हो, तो इधर प्लग होना जरूरी है। सो लाइक दिस, इट डजंट टेक टाइम ऑल्सो, कोई भी बाहर से आया ऐसा स्टीम ले सकते हैं। और जिसको नैपकिन, एक टॉवेल जैसा भी इधर रख दिया है तो सर पे रख के भी टॉवेल से ऐसा स्टीम ले सकते हैं, तो आप भी ऐसा करिए व्यवस्था घर में। तो किसी को बैठना भी नहीं पड़ेगा, और आके तुरंत ही बाहर से आए तुरंत ही स्टीम ले लिया। तो तीनों कोरोना के सैनिटाइजर है, तो कोई भी बाहर से आता है सीधा सैनिटाइज हाथ करके आना है, तभी घर के अंदर एंट्री मिलनी चाहिए। तो ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी, गर्म पानी रख दीजिए, स्टीमर रख दीजिए, सैनिटाइजर रख दीजिए, एंड लेट्स टुगेदर वी फाइट विथ फाइट अगेंस्ट कोरोना एंड वी विल विन। सो आप जरूर से ज्वाइन हो जाइए ये फिटनेस चैलेंज सोनाली स्कॉनर की। Thank you for watching. If you like it and if you are participating in this challenge, please subscribe and share with your friends. Let's unite and fight against Corona. Go Corona, go!